अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ ट्रेड की जानिब से आज की वीडियो में मैं आपके साथ एमडीकेल 2020 का सबसे बड़ा झूठ डिस्कस करने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे कि ये कैसी बात हुई, कैसा कौन सा झूठ है जो आपको पता नहीं है, बट यही वो सबसे बड़ा झूठ है जो आपको प्रेशर राइज करता है, जो आपके माइंड को प्रेशर कुकर बना देता है और ड्यूरिंग आप कह सकते हैं होल सेशन आपके दिल धड़कता रहता है इसी झूठ की वजह से। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, होता क्या है पर्टिकुलरली जो रिपीटर है वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके होंगे और फ्रेश भी है वो बहुत जल्द इस चीज का एक्सपीरियंस करेंगे। आप एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं, आप कह सकते हैं हॉस्टल में, घर में, व्हाटएवर, कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हैं। एक बंदा आता है आपको कहता है जी क्या कर रहे हो, एमडीकेट की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने, आपका कितने लोगों के साथ कंपटीशन है? सर मेरा कोई 70 to 80,000 के दरमियान कंपटीशन है। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? सर 3,000। अच्छा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट 80,000 और आपकी सीट जो है 3,000, इतनी कम? फिर तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी जो आप कह सकते हैं कि सीट सिक्योर हो जाएगी, या आप कह सकते हैं कि आप किस बेस पे कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिशन होगा? पार्टिकुलर ये चीज फ्रेश स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। आप माइंड में सोचें कि कितनी बड़ी रेशियो है कि 80,000 या 90,000 बच्चों में से 3,000 की एक सीट, 3,000 सीट में से भी फिर एक सीट सिक्योर करना। देखिए पहली चीज तो ये है कि आपने इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। इस क्वेश्चन को क्या एमडीकेट की प्रिपरेशन के दौरान होने वाले हर क्वेश्चन को जो आप क्रिटिसाइज कर रहा हो, जो आपकी एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन कर रहा हो, आपको लगे कि इस ये बंदा जो है वो मुझे क्रिटिसाइज इस वजह से कर रहा है कि मेरे मुझे डिस्करेज कर सके, मुझे नीचे ला सके, तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर है नो कमेंट। वो जो मर्जी है आपको, आप चुप करके कहो नो कमेंट। अगर वो कहता है आप नालायक ओके, अगर वो कहता है आप नहीं कर सकते ओके, जो कहता है यार कहने दो, सिंपली नो कमेंट, कहना नहीं है। अब ये झूठ क्यों है? ठीक है ये बहुत बड़ा झूठ है कि आपका जो आप कह सकते हैं कि आप 80,000 या 90,000 बच्चों से कंपटीशन कर रहे हैं। मैं किस बेस पे कह रहा हूँ झूठ है, यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर चेक करें, ये आपको एमडीकेट 2019 के स्टैटिस्टिक्स हैं। ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स हैं, यूएचएस की वेबसाइट से लिए गए हैं, मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बनाए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, 72,000 है। यानी यहाँ तक तो ये बात बिल्कुल ठीक हो गई कि 72,000 है, बट आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ होने जा रहा है ये बात जरा अपने माइंड में यहाँ पर लाएं। अगर आप इसको नीचे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं कि वो बच्चे जिनके 90+ ने, यानी 90% से अबव नंबर थे, उनकी तादाद यहाँ पर है 5,741, और जिनके 80% से भी प्लस थे उनकी अगर आप कह लें तो आप कह सकते हैं कोई 13,000 के करीब है। यानी दोनों ऐड कर लें तो आप कह सकते हैं कि ये कोई 18,500 के करीब करीब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बन जाए। तो अगर आपका जो रियल कंपटीशन है इन 72,000 कैंडिडेट्स में से, वो सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों के दरमियान कंपटीशन होता, बाकी कैंडिडेट्स को छोड़ दें, वो किसी भी वजह से एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, आप कह सकते हैं कि किसी ने फॉरन में जाना है उसके लिए एंट्री टेस्ट मजबूरी है, किसी ने आप कह लें माँ बाप ने जबरदस्ती भेज दिया जा बेटा एंट्री टेस्ट दे दे, किसी ने फोर्थ टाइम रिपीट कर रहा था, दोस्तों ने साथ में डॉक्यूमेंट भेज दिया, वट एवर जो भी रीजन है मैं उन्हें डिस्कस नहीं करने जा रहा। अब इन 7,000 में से जो फर्स्ट आप कह सकते हैं कि 3,000 या आप कह सकते हैं कि 3,400, क्योंकि ऑलमोस्ट 3,400 के करीब सीटें शामिल होती हैं तमाम कैटेगरीज को मिला के, MBBS, BDS और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो ये इन 7,000 में से जो पहले 3,400 बच्चे होंगे वो अपनी सीट सिक्योर कर लेंगे, जो बाकी होंगे वो या तो रिपीट करेंगे या किसी और फील्ड में चले जाएंगे। बट आप सिर्फ इन स्टूडेंट को सीरियस स्टूडेंट कह सकते हैं, बट ये बात याद रखें कि ये लोग आपको इतना ज्यादा टफ कंपटीशन देंगे, इतना ज्यादा कंपटीशन देंगे कि आपकी सोच जाए, इसमें से हर बंदे का सिलेबस कवर होगा, हर की टाइम मैनेजमेंट होगी, हर की मैक्सिमम प्रैक्टिस होगी, वो चीजें बाद में लाइदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके आप कह सकते हैं कि इनके साथ आपका रियल कंपटीशन है, बट बाकी को छोड़ दें। आज की वीडियो में सिर्फ आपको यही कुछ छोटी सी बात डिस्कस करनी थी, यही बात समझानी थी कि प्लीज इसकी वजह से अपने माइंड पे प्रेशर ना लें, अपने दिमाग को प्रेशर कुकर ना बनाएं, वो ब्रेन है उसे ब्रेन की तरह काम करने दें। आपका सिर्फ और सिर्फ यही कुछ बच्चों के साथ कंपटीशन है। अगर आप चीजों को हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क से, स्मार्ट स्टडी के थ्रू लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता, बट आपने स्मार्ट स्टडी करनी, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे लेके चलना, बट ये अपने माइंड को इस चीज से रिलैक्स कर ले। इस वीडियो बनाने का मकसद यही छोटा सा मैसेज देना था और यही चीज कन्वे करनी थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताएं।